नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भ्रात्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आइए पहले देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह तनाव लेने के बजाय समस्याओं का चुनौती से मुकाबला करना बेहतर विकल्प होगा। सामाजिक दायरे को और मजबूत करने के लिए कुछ नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। अगर सरल भाषा में कहें तो करियर बनाने का मौका है। 21 जुलाई के आसपास फंड साझेदारी पूंजी निवेश का समय होगा। मेडिकल कारोबार करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए, पेट से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। परिवार और दोस्तों से मिले प्यार और हंसी के पल आपको खुशियां देंगे। तो आपके लिए उपाय बताने जा रहे हैं, आप एक खाली घड़े में मशरूम 250 ग्राम मशरूम रखकर किसी मंदिर में पुजारी के लिए दान दें। इससे आपकी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और आपका मानसिक शांति भी मिलेगी। अब देखते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह का मूल मंत्र जीवन में संतुलन रखना ही सफलता का सूत्र बनेगा। ऐसे में अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें, समय को बर्बाद ना करें। गायन में रुचि रखने वालों को प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको नौकरी में समस्याएं भी हो सकती हैं। युवाओं की कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पित्त प्रधान रोगियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, तो वहीं आपको दूसरी ओर माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी है। परिवार व समाज में बेहतर छवि बनेगी और सप्ताह मध्य के बाद में अविवाहितों की विवाह की चर्चा जोर पकड़ सकती है। तो आपके लिए जो उपाय है, आप नित्य प्रति गाय के लिए हरा चारा खिलाएं। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं वो इस सप्ताह गणपति बप्पा ईर्ष्या करने वालों को भी आपका मित्र बना देंगे। सौम्य वाणी से लोगों को आकर्षित करने में आप लोग सफल रहेंगे। मन में विचार अधिकाधिक मात्रा में आएंगे, लेकिन आपको सलाह है कि इसे बुद्धि और विवेक से फिल्टर करते चलें और जो काम के प्रति विचार हैं उनको ही प्रयोग में लाएं। मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़े लोगों को उन्नति मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती दिख रही हैं। जो लोग सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उनको प्रमोशन का लेटर भी मिल सकता है और कारोबार से संबंधित पिछली समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। तो वहीं 23 जुलाई तक व्यापार में निवेश करना शुभ होगा। रक्त से संबंधित बीमारी को लेकर आपको सावधान रहना होगा। परिवार में खुशहाली आएगी और नए मेहमान के आने की शुभ समाचार भी मिल सकता है। तो आपके लिए जो उपाय है, आपके लिए उपाय, आप हनुमान मंदिर में चौमुखा दिया जलाएं। अब आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह उनके मन में नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आने से बचना होगा, बल्कि स्वयं के निर्णय पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। उन्नति के द्वार खुलने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। शेयर बाजार से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों को क्षमताओं की बढ़ोतरी करते हुए आगे बढ़ना होगा। युवा वर्ग सोशल मीडिया में सक्रिय रहेंगे, छोटे मोटे रोग लगे रहेंगे, लेकिन आपको बड़ी बीमारियों से राहत मिलेगी। सदस्यों के खराब स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी, आप सबको अलर्ट रहने की सलाह दें। तो आपके लिए उपाय है, आप अपने शरीर पर तिल के तेल की मालिश करें। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको यह सप्ताह विनम्रता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रहे, अपनों के साथ अहंकार का टकराव नहीं होना चाहिए। कानूनी मामलों में विजय मिलने की प्रबल संभावना। नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा। ऐसे में आपको सलाह है कि ऑफिस का तनाव घर न लाएं। युवाओं को कार्यकुशलता का बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए
और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस बार समय समय पर आराम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको परिवार में किसी की बात चुभ भी जाए तो उसे दिल पर ना लें। घरेलू चीज़ों में धन व्यय होगा, मकान व भूमि से संबंधित लोन लेने का विचार बन सकता है। तो आपके लिए उपाय है कि आप अपने सिर से 5 सुपारी बार कर बहते हुए पानी में छोड़ दें। अब आते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, इस सप्ताह आप घर और बाहर के कामों में बहुत अधिक व्यस्त रहने वाले हैं, तो वहीं आपको आलस्य से भी बचना चाहिए और कामकाज को लेकर छोटी सी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकती है। जो नई नौकरी की तलाश में है या फिर विदेशी कंपनियों में आपने आवेदन भरा है, उन्हें इस बार शुभ सूचना मिलने की संभावना है। 23 जुलाई तक अभिभावक भी छोटे बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान दें और वर्तमान में मोबाइल से दूर रखना अत्यंत जरूरी है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखनी चाहिए, मानसिक रूप से बीमार ना रहें। बार बार को यदि पिता लीड करते हैं तो उनकी बातों का विशेषता से पालन करना है। आपके लिए उपाय है, आप खाने में विटामिन सी युक्त चीज़ों का प्रयोग करें, नींबू खाएं, संतरा खाएं। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं, इस सप्ताह बहुत अधिक खुला हाथ आगे के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। ऐसे में इस बार धन को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने की सलाह है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ज्ञान की कमी के कारण यदि आपके प्रमोशन में बाधा उत्पन्न हो रहे हैं तो 22 के बाद इससे संबंधित कोर्स आदि करने चाहिए। समस्याओं का समाधान निकालने में आप सफल होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अध्यापक के संपर्क में रहें। सेहत को लेकर खान पान सही रखें। वर्तमान में लिवर फैटी स्टेज में जा सकता है। बड़े भाई की भी उन्नति का समय चल रहा है। तली भुनी चीज़ों से बचें। आपके लिए शुभ उपाय है कि आप गाय का दूध चीनी डाल करके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य करना आपकी प्रगति में बाधक हो सकता है। ऑफिस में बेवजह किसी से आपकी कहा सुने की भी आशंका है। ऐसे में आपको बहुत ही सजग रहने की सलाह है, क्योंकि यही लोग भविष्य में उन्नति के मार्ग पर बाधक बन सकते। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे और विद्यार्थियों के लिए समय रिवीजन का है। यदि वह याद करने के साथ साथ उसकी टेक्निक को भी समझेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। हेल्थ में चिंतन को चिंता में परिवर्तित ना होने दें। अत्यधिक परेशान होने से बचें। घर से निकलने से पूर्व माँ के पैर छूकर ही निकलें। आपके लिए शुभ उपाय है कि आप पृथ्वी पर पैर रखने से पहले प्रातःकाल उनके चरण स्पर्श करें। अब आते हैं धनुराशि। तो धनुराशि के जो जातक हैं, उनको इस सप्ताह आर्थिक स्थितियों में सुधार महसूस होगा। जरूरत पड़ने पर आपको परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। गायन में रुचि रखने वालों को अच्छा अवसर मिलेगा। जो लोग इस फील्ड में पहले से हैं, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को वर्तमान में एक्टिव रहना है। युवा वर्ग कुसंगति और आलस्य से दूर रहें। आंखों की केयर करें। कोई समस्या होने पर अलर्ट रहें। संयुक्त परिवार में रहने वाले एक दूसरे का साथ दें। चाचा ताऊ और वरिष्ठ लोग के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। परिवार से दूर रहने वाले घर पर संपर्क साधें। आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक हैं, उनको इस सप्ताह अंतर्मुखी बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि घर हो या बाहर हर जगह मुखर होकर बात रखनी जरूरी है। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं। ऑफिशियल कार्य में प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर परीक्षा की पहले से तैयारी कर रखी है तो इस समय का रिवीजन आपके लिए बहुत काम आएगा। युवाओं को भी क्रिएटिव कार्य पर फोकस करने की सलाह है। शारीरिक परिश्रम बढ़ाते हुए सक्रिय रहेगा। घर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस बार की गई आपकी प्लानिंग सफल होगी। आपके लिए उपाय है कि आप आग के फूल भगवान शिव पर चढ़ाएं। अब आते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं,
उनको इस सप्ताह काम तो अधिक होगा तो वहीं दिमाग में बहुत एक्टिव भी रहेंगे। सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों को व्यवहारिक संबंध और भी बेहतर बनाने होंगे। साथ ही आपको लोगों से मिलना जुलना बढ़ाना बढ़ेगा। नौकरी पेशा जुड़े लोग टीम को प्रोत्साहित करें। टीम वर्क के जरिए बड़ा लाभ मिलने वाला है। खाने पीने के सामान से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों को लाइसेंस आदि समय पर रिन्यू करा लेना बेहतर होगा। घर में किसी भी बात को बुरी लग सकती है तो संबंधों को खराब करने से बेहतर होगा कि उनसे बात कर आप स्थितियों को ठीक करें। तो आपके लिए उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ दें। अब आते हैं मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह सुरक्षा संबंधित मानकों को लेकर कार्यस्थल या घर में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा लगवा सकते हैं। करियर पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें। फाइनेंस, रेवेन्यू या लोन सेक्शन से जुड़े लोगों को सिर्फ काम पर फोकस करना है। अच्छा लाभ होगा। व्यापार करने वाले अगर पूंजी बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ग्राहक की बात सुननी होगी। गुस्से में भी हो तो धैर्य रखें और डायबिटीज़ के मरीजों को विशेष सतर्क रहना होगा। दवा और दिनचर्या आपको अपनी सख्त रखनी होगी। घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है या आपके मेहमान भी आ सकते हैं जिससे आपको वर्कलोड बढ़ेगा। तो आपके लिए जो शुभ उपाय है आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होते हैं अगले सप्ताह आपके नए भविष्य फल के साथ। ओम मंत्रार्था सफला संतु सफला संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदयस्तवा।